चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस संगठन को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश चली जा रही, काम धंधे हो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। वो एक आधा रुपये करोड़ हो रहा नहीं, सब कह रखा, सब अधिकारी कह रखा, इनकी बात नहीं सुननी। अगर 2024 में सरकार आएगी तो आप लोगों का कुछ नहीं रहेगा, थारे पे पिंजरा लग रहा और उसमें तम फंसे, फिर कुछ नहीं, फिर तो आप अपनी सुझल लगे। हम लोग कह रहे हैं साझे की लड़ाई है, किसी के विचार समाज के विपरीत विचार हो जाओ उसे थोड़ा सा गलत कहना है, भाई बढ़िया नहीं आदमी, इन्नी सभी बढ़िया है, विचार सही रखो। धन्यवाद मलिक साहब, बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष जी, समस्त खाप चौधरी, हमारी माता और बहनों उपस्थित, विशाल किसान जनसमूह, पत्रकार बंधु, सुरक्षा कर्मी भाई जिन्होंने यहाँ से आज भंडारे का आयोजन करा, बनेड़े थे परसों आ रहे थे रामवीर, इन्हें कहा था मैं भाई कुछ ना कुछ तुम भी ले आगे, कहना बताओ क्या मैं भाई बांकड़ ले आई, तो आज देखने को मिले बांकड़ भी ले आई। आप लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है भाई, काम धंधे तो हो नहीं रहे, कितने आदमी बता रहे भाई हमारा वो काम है, हमने वो बता नहीं हुआ। इस संगठन को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश चली जा रही, काम धंधे हो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे। वो एक आधा रुपये करोड़ तो हो रहा नहीं, सब कह रखा, सब अधिकारी कह रखा, इनकी बात नहीं सुननी। आप लोगों को जो करो, रामचंद्र जी को 12 साल का वनवास हुआ था नहीं, युद्ध 13वां साल चल रहा अज्ञातवास का, पांडु का, हाँ पांडु का नहीं, रामचंद्र जी को तो है दिक्कत। अच्छा हाँ चलो, इतने कहाँ याद रहे, तू थोड़ी सी सुनी सुनाई कह दे, तेरे वाले भी सुनाऊंगा। तो 2024 में मैं आप लोगों को फिर बता रहा, हमें बिल्कुल साफ तस्वीर देख रही, साफ फिल्म देख रही। अगर 2024 में यह सरकार फिर आ गई, वैसे मैं इसकी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, कोई लोग कहना भाई तो प्रचार कर रहे सरकार का। अगर 2024 में सरकार आ गई तो आप लोगों का कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी। ये सिर्फ यही देख रहे, बातचीत उसी की तहसत है 2024 की। बिजली का इतना गुंडा मामला हो गया, साटुआ में बुरा लकरण, हर गांव में तो यही बात है भाई, छापे लग रहे, वो लग रहे लगन। ये तो 8-10 साल में इन्होंने तो सोच लिया जाना तुम क्या कर दो। एक यहाँ शाहपुर में एक बैंक है, शायद केनरा बैंक है, केनरा 125 करोड़ रुपए का हट लिया कर्मचारियों ने, वहां से किसानों पे 125 करोड़ रुपए का हट लिया और बस एक पर केस कर दिया, वो पता नहीं जेल पेड़ में पूछा कि नहीं पूछा क्या गया उसका, सब रड़ गए पीछे। 125 करोड़ रुपए किसानों की मेहनत के 125 करोड़ रुपए गए बैंक में सुरक्षित मानने, कहां था आप लोगों की बात शुरू करें कहां खत्म करें भाई। आप लोगों को हाथ में कितने आदमी, हमें भी कहू जाके हमने भाई पहले बात बताओ, मैं अपनी उपलब्धि गिनाऊंगे, हम वहां जेल में गए थे, वहां गए मगर तुम काम बताओ, कहना हो तो काम तो बताओ, पर जैसी 14 साल वाली बात थी वह नहीं है। मैं कहना बाजी मूल वाले आ जाए जी, बाजी क्यों भाई और क्या कहने लू, कह रहे अरे भाई कुछ तो कहीं तो आओ बताओ क्या क्या कर रहे, हम क्या कसर छोड़ रहे थारे, उसमें जी कोई नहीं माने तो हम क्या करें, थारा तो वो इलाज होना जो करो, चूहा होने चूहा उसमें कटघड़े में, या इंद्रपाल ने बताई थी बात, कहना टुकड़ा लगा दे उसमें वो चूहा उसमें बढ़ जा, यहाँ का अपनी भाषा में तो मुस्सा कहते, वो उस कटघड़े में बैठ गया बंद होती ही, वो टुकड़े को भूल जा, टुकड़े का दौरे घूम जाएगा, वही अपना निपटाने की जुगाड़ सोचेगा।
थारे पे पिंजरा लग गया, ठीक है, थारे पे पिंजरा लग रहा और उसमें तुम फंसे, फिर कुछ नहीं, फिर तो अपनी सुजन लगे। हम लोग कह रहे हैं साझे की लड़ाई है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे, आप लोगों की सबकी जिम्मेदारी है। कोई नहीं कहते हो भाई हम एहसान कर रहे, यूनियन में मंड रहे, वहां मंड रहे, अपनी जान बचाने को मंड रहे भाई, या कितने याद लिए, कितने याद लिए, कितने संगठन बन लिए भाई, पेड़ा तो यू ही है किसान यूनियन, इसकी तो डहनी है जा रही है। कोई आने को कह रहे मगर भाई आ जाओ, तो मगर तीन चार साल तो सेवा करनी पड़ेगी इन्होंने भाई, इतनी इतना सुखाला नहीं काम आने का, पहले तो बिल्कुल कोई वो नहीं, निकालो सेवा करो जी बाहर का, तो यहाँ से हो सके यहाँ से, हम किसी की ना किसी की बुराई करते, कोई वो नहीं है बातचीत, पर एक इतिहास है, नुगे बूंद बूंद से सागर भरता गिन गिन दिन इतिहास, जिसका इतिहास खराब हो जा आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, कहने फला सन में फला आदमी ने गद्दारी करी थी किसान संगठन के लिए, भाई अपने घरों बैठ जाओ, किसी के मन में कुछ बात हो भाई गद्दारी ना करो, अपने घरों बैठ जाओ, कुछ नहीं ठीक है, हो सके विचार नहीं मिलते हमारे पे भी ऐसी हो जा बातचीत, पर नहीं मौका लगता कहीं जाने का, ऐसा ही व्यस्त है, मैं आज भी पांच चार जगह तेरा में थी, उन मगर जाना होया, कहीं नहीं भी जाना होता कोई बता दे भाई, ऐसी कुछ नहीं बात है, मन में आप लोगों के प्रति खूब इज्जत है, खूब सम्मान है, किसी की कुछ नहीं बात, आप लोग सभी अच्छे हो, किसी के विचार समाज के विपरीत विचार हो जाओ उसे थोड़ा सा गलत कहना है भाई, बढ़िया नहीं आदमी, यानी सभी बढ़िया है, विचार सही रखो, थोड़ा सा ही समय है, ज्यादा समय नहीं, पता नहीं आज हम जितने यहाँ है कल को परसों को बिन्ने के बीच में पता नहीं कौन रहे ना रहे, तो एक मेला है भाई, इसमें अपना ठीक ठाक करते रहो, आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसे बिना फायदे के भी तुम इस संगठन को चला लो, बिना फायदे के नुमान के चलो, कोई फायदा नहीं होना, तुम जा बाज हो भाई, ऐसी हालात में भी तुम बचा रहे, इसे बचाओ रखो, बहुत फायदा होगा सरकार को, होर की नहीं दे सकते है, सरकार को होर की नहीं दे सकते है, सरकार को आपकी दे सकते है, आप लोगों पर सरकार हाथ घेरती हुई चक्री। एक और बताऊं मैं, टूटा हुआ मकान होने उसकी कोई कदर नहीं रहती, कोई उसकी ठा ले जा, कोई कड़ी ठा ले जा, कोई लोग कहे तो दर बहुत बढ़िया, इस मकान को तोड़ियो ना, और भाई आई है बातचीत, कुछ नहीं हो सके आपस के, तो आपस का ही भाईचारा है, हो सके कुछ बातचीत हो जा, आप लोग मन में है रखो, बातचीत जिम्मेदार है, अध्यक्ष जी है, सरपंच साहब ठाकुर जगत सिंह जी, सब तो बुजुर्ग है यहाँ से इस पंचायत में, जो आज के अध्यक्षता कर रहे, बड़ा सम्मान है इनका, कुछ नहीं कहे कि वो नहीं छोड़ते, एक कहने के इशारे में गद्दे से यहाँ से चले हुए, कोई उल्लालच नहीं, मैनपाल चौहान है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ही अच्छे अच्छे विचारों के आदमी, विजेंद्र प्रधान जी है, बहुत सन 87 में इनके भी गोली लगी थी, तो पुराने बहुत पुराने कार्यकर्ता यहाँ से आ रहे, अलीगढ़ से भी आ रहे भाई, हम तो फिर भी आई आप लोगों को कहे, जैसा खर्चे की बात है, अरे खर्चे और कौन देगा, तुम ही तो करोगे, कितने आदमी लोग कहते कहने रे खर्चे की कहा खर्चे और क्या भाई, अपनी हम नु नहीं कहते, अपनी मेहनत का, अपनी खून पसीने कमाई का, वो दो यहाँ से 10 रुपये दो अपने गांव में, तो फिर यहाँ से कुछ बात हो उसमें, और अपनी जो मेहनत का है, ऐसा यू इतना बड़ा ताम झाम हो जाए, लोगों ने नहीं दे रखा, मारा तो बहुत नहीं भाई, और हम तो कहते भाई तीन यू काम होकर बात लग रहे,
कुछ आदमी कहते हैं नहीं नहीं है तो बंदा तो होर दे दूंगा कोई ऐसा क्या सी बात है तेरे ते क्या गाड़ी चल रही है ये तो बहुत बड़ा परिवार है किसान उसको तो सब अपनी वो रखो यहाँ से पत्थर भी लगा जी पत्थर लगे जिस उसमें कहने पर फला उसमें उस परिवार ने उस गांव ने उस सहयोग कर रखा तो अच्छा लगे आदमी देखे भाई हमारा भी सहयोग है यार मुझे लगे शायद बाग पत के पूछ रुका भी कितना ही हो रहा भाई थोड़ी सी तो पसंद है नहीं और भाई हम तो फिर भी आप लोग भी आए कहे भाई आपस के भाईचारा बढ़ा कर रखो और खर्चे को आप पूरा कर दो इंगा गुजरू में बब पानी पानी पियाओ एक कप चाय भी नहीं पियाते और बढ़िया चल रहा है काम हमें तो ठीक लगे और हमारे यहाँ से दो दो तीन तीन डाले तो रसगुल्ले बना दे लाडू पता नहीं क्या क्या चाट और इसमें तेरा भी मन वही सोच रहे भाई उमरगा और इसके उसमें वो काम करेंगे हम इतना आशा ना करो अपने खर्चे काबू में कर लो ब्याह से आदमी में खर्चे काबू में कर लो तेरा भी मैं खर्चे काबू कर लो और भाई अपने बच्चों की पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान दे सब भाई यही है संगठन यही है भाई बैठे नहीं रहे जिप भी संगठन चल रहा हमारा भी ऐसा ही हो रहा काम हम नहीं रहने के जिप भी चलो जाएगा संगठन की कहाँ सी बात है संगठन तो आप लोग चला रहे आप लोगों की भावना है किसानों की निगाह है करोड़ों आदमों की निगाह आपके संगठन पे है और कहीं गलत बात पर ध्यान ना दो कोई गलत क्या कर रहा हो तो उनकी वह बातचीत 5-4% तो भाई हर उसमें रहे महाभारत काल में भी रहे रामचंद्र जी के उसमें भी रहे अंग्रेजी जमाने में रहे मुगलों के उसमें भी रहे उन्हें आप लोग ही बता दो किस नाम से संबोधित करे जा चुगलखोर गद्दार तो एक बताओ भाई अपने उस पर दाग तो लगाओ ना इतक तो रहने उन पे निगाह रहो जाके इन्हें बात है तो जो बेकार सोच के आदमी ना हो तो अच्छों की कदर नहीं रहने की बेकार सोच के भी तो चाह जी भी तो पता लगे कि ना भाई तो हम तो लोग हैं अपनी सोच अच्छी रखो अच्छे अपना विचार रखो और ठीक है संगठन चल रहा पहली 17 तारीख को भी बहुत बढ़िया वो हुई थी आज भी अच्छी है आप लोग अपना जोन जोन से प्रोग्राम जहाँ जहाँ जिस जिसके नज़दीक है सबसे ज़्यादा तो बात जो नज़दीक के है जहाँ से लखनऊ साइड के है ज़्यादातर तो वहीं पुकाऊंगे उनका काम इंगे तो थोड़े आदमी चले कभी जिप भी काम चले पर जिस क्षेत्र का ज़्यादा वो बातचीत उसी तक वो चले या नोएडा लोग की भी बात वो होगी रुड़की लोग की होगी कहाँ कहाँ बिजनौर में भी दिखे हाँ तो भाई बढ़िया बड़ा अच्छा लगा जय हिंद जय भारत। Thank you.